हेलो दोस्तों, तो देखिए हमने बना लिया सबसे सस्ता पंखा। ये देखिए बहुत स्पीड से चल रहा है और ये पंखा और बहुत सस्ते में बनाया हमने। सिर्फ इसमें खर्च किया सिर्फ मोटर और पंखुड़ी में, बाकी सब मतलब एकदम फ्री में बनाया समझ लीजिए। ज्यादा पैसे हमारे नहीं लगे हैं, हवा भी काफी अच्छी दे रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम सबसे सस्ता पंखा बनाने वाले हैं जो आपको गर्मी से बहुत ज्यादा राहत देगा। तो आपको इस पंखे को बनाने के लिए सिर्फ एक मोटर, एक पंखुड़ी और 5-6 गत्ते, इस तरह के गत्ते चाहिए 5-6, और 1 मीटर डोरी और 4 से 5 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मोटर है, ये मोटर क्या है मेरे पास अभी, क्या ये पुरानी मोटर है। अगर आप नई मोटर लगाएंगे तो स्पीड इतनी ज्यादा चल जाएगी जितनी आप सोच नहीं सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस मोटर के साथ मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें मैंने इस मोटर के ऊपर फेविकेट डाल के दिखाया है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मोटर है वो आपको बाजार में 80 रुपए की मिल जाएगी। पहले तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, 150 से 200 की खरीद आती थी, अभी भी आती, मतलब वो तो आपकी क्वालिटी के ऊपर आप किस तरह की लेते हैं। तो आपको नॉर्मली 80 रुपए की मिल जाएगी वाली मोटर, और ये पंखुड़ी है वो आएगी 20 से 25 रुपए की। और अगर आप केवल लेंगे तो केवल आप चायों से ले सकते हैं, मतलब सस्ती सस्ती, क्योंकि 5 रुपए मीटर में आपको केवल मिल जाती है बाजार में। बाकी गत्ते आपके घर पे होंगे और ना भी हो तो आप खरीद लाना। और गत्ते की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं, और नहीं लगाना हो तो नहीं भी लगाना, कोई दिक्कत नहीं। और जरूरत पड़ेगी 4-5 ईंट होगी जो कि सबके घर में होती है ज्यादातर। तो आप चाहे तो और भी कुछ चीज यूज कर सकते हैं, पर क्या ईंट सबके घर में होती है और इससे क्या ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। मैं कम से कम प्राइस में पंखा बनाऊंगा, कम से कम सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगी इन 3 चीजों की। अगर आप ये 3 चीज ले आते हैं तो ज्यादा चीज आपको चाय मिल जाएंगी, गत्ते और 2 चीजें, तो वो आप चाय से व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी इन 3 चीजों को आपको वैसे खरीदने लाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये पंखा बनाने के लिए हम देखिए 4 ईंटों को यूज करेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से 4 ही ले लेना। बाकी ऊंचाई का तो ये है कि हम कहीं और रख कर चला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले हम कर लेंगे यहाँ पर इतना बड़ा छेद, से क्या होगा ना मोटर यहाँ पर फंस जाएगी। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही भारी हो जाएगा ईंटों की वजह से, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि क्या गरीब लोग ना बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और कम खर्च करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ। आप चाहे तो स्टैंड वगैरह और भी चीजों से बना सकते हैं, पर मेरे दिमाग में यही आया और सस्ते सस्ता है इसलिए मैं इससे बना रहा हूँ, और जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने देखिए इसमें क्या है, तार जोड़ ली है मोटर में, बाकी हमने नीचे गत्ता लगा दिया। इससे क्या ना ये हिलेगी नहीं, थोड़ी पहले हिल रही थी तो अब हिलेगी नहीं बिल्कुल। तो अब हम इसको बांध लेते हैं तार के माध्यम से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए हमने देखिए बना लिया है, ये देखिए 2 तार देखिए यहाँ पर बांध दिए हैं पीछे से, देखिए हमने देखिए मैट दिए हैं आप देखेंगे तो, ये देखिए अब बिल्कुल भी नहीं गिरने वाले किसी हालत में। तो उसको बस मोड़ देना और कुछ नहीं करना है। बाकी पीछे देखिए 2 तार देखिए हमने निकाल लिए। तो अब बना लेते हैं अपना गत्ते का बॉक्स। तो आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। पहली बात तो इसको क्या मोटर को क्या ज्यादा पीछे नहीं करना है, ज्यादा पीछे कर देंगे तो क्या है ना ये तार वगैरह या ईंट वगैरह से अड़ेगी, तो इसको थोड़ा आगे रखना है। और दूसरी चीज रही, आपको तारों को अच्छे तरीके से बांधना ताकि ये टूटे ना। बाकी देखिए मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ अभी फिलहाल कैसी चल रही है हमारी मोटर। तो आप हवा खाने के लिए बेकरार होंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तेज घूम रही है, हवा भी बहुत काफी दे रही है, और देख पीछे भी देखिए कितना हिल रहा है पीछे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तेज हवा दे रही है, मतलब काफी ज्यादा तेज हवा दे रही है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई गर्मी के टाइम पे। तो अगर आप चाहते तो आप ऐसा ही पंखा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना बिल्कुल भी झंझट नहीं, और ये सबसे सस्ता पंखा है और इसे हमने बस 110 रुपए में बनाया है। और अगर आपको थोड़ा सजा कर और दिखने में भी अच्छा बनाना है तो आप गत्ते यानी कार्डबोर्ड की मदद ले सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इस मोटर को देखिए इसमें से निकाल लिया है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, मैंने क्या किया है इस मोटर को इस गत्ते से बांध दिया है और डायरेक्ट लगा दिया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना आप, और देखिए मैंने ये देखिए पीछे देखिए इसके तार है, तो अब हम इस पर लगा देंगे और चारों से बॉक्स बना के फिर हम इसको चालू कर देंगे। तो अभी देखिए मैं आपको इसकी हवा दिखा देता हूँ एक बार। तो हवा काफी ज्यादा तेज दे रहा है, तो आपको दिख भी रहा हो ना भी दिख रहा हो। तो अभी हम इसका बॉक्स बना लेते हैं फिर हम इसको बांध देंगे। और आप चाहे तो जैसे से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चाहे तो थर्माकोल की मदद से बना सकते हैं। थर्माकोल का बॉक्स ले लेना, उसमें मोटर फिट कर देनी, नीचे से पीछे तार निकाल कर और मोटर लगा देनी। मैं आगे चल के वाली वीडियोस भी बनाऊंगा, पर अभी तो फिलहाल इसी ये वाली आप देख लीजिए। कि देखिए मैंने जो कार्डबोर्ड है ना इस पर चिपका दी प्रोजेक्ट फाइल की सीट, इस धागे के साथ मैंने जो तार है ना तार के साथ धागा बांध दिया, मतलब डोरी थी वो बांध दिए पीछे, और उस साइड से भी कुछ ऐसे ही किया है, उस साइड भी डोरी बांध दी है। बाकी हम क्या करेंगे साइड में ये गत्ते लगा देंगे, इसके अंदर से धागा गुजार देंगे इसके अंदर से, तो वो धागा हम पीछे बांध देंगे तो पूरे तरीके बंद जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं देखिए हमने सब कुछ कर लिया है, कार्डबोर्ड को देखिए पीछे देखिए रस्सी की मदद से बांध दिया। अगर आप पीछे देखेंगे ये देखिए रस्सी यहाँ पर, देखिए रस्सी निकाल के पीछे से और एक साइड से दोनों को बांध दिया है, और ये वाला तो हमने तार से बांध ही दिया था। बाकी आप देखिए ऊपर देखिए हमने छाता बना दिया है, मतलब देखिए इसको यहाँ पर बांध दिया है, एक यहाँ पर बांध दिया है, एक यहाँ पर, ऐसे चारों तरफ मतलब कुंदे को बिंधा दिया है तार के माध्यम से। इससे क्या हुआ ना अब देखिए अब हम कर देंगे इसको नीचे, तो अब हम इसे आराम से उठा सकते हैं ऐसे, चाहे मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है और भारी भी बहुत ज्यादा है देखिए, और इसमें पता है 4 ईंट है पूरी पूरी। तो आप देख सकते कितना ज्यादा
मजबूत बना लिया हमने आखिर पंखे को। तो अभी हम पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको आपको चला के दिखाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा पंखा फाइनली बन चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए चारों तरफ से हमने इसको प्ली शीट से कवर कर दिया है, प्रोजेक्ट शीट आती है ना उससे कवर कर दिया, देखिए चारों तरफ से। और देखिए इस मोटर को भी देखिए पीली शीट से कवर कर दिया है, ये देखिए पूरी कवर कर दी है मोटर, आपको देख नहीं रही होगी मोटर है अंदर। बाकी देखिए ऊपर देखिए ये दो हत्ते लगा दिए उठाने के लिए, चार ईट है अंदर, पता है आपको चार ईट। चल झूठा। और देखिए ये साइड से देखिए कवर कर दिया, देखिए पूरा पूरा। और देखिए मैं आपको पीछे दिखाऊं, देखिए एक बार ये देखिए हमने देखिए धागा वगैरह देखिए बांध दिया है पीछे, आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, बाकी क्या ना मैंने बंद नहीं किया है। बाकी आप देखिए ऊपर से सब कुछ हो चुका है, ये देखिए आगे से भी सब कुछ हो चुका है, और ये देखिए ऊपर से। तो हमने दो हत्ते लगा दिए, देखिए आपको इसकी मजबूती दिखा देता हूं, ये देखिए कितना भारी, चार ईट होने के बावजूद पता है मैं उसको उठा पा रहा हूं, बहुत मजबूत है, मतलब जो हत्ते लगाए बहुत मजबूत है। तो देखिए मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूं। तो देखिए हो चुका है चालू, पोस्टर कह रहा हूं बहुत अच्छी आवाज दे रहा है, मैंने दो तीन घंटे से पानी खाई इसी में लगा हुआ हूँ प्रोजेक्ट में, चाहे आप इसको कुछ भी कह लीजिए पर हमारे प्रोजेक्ट ही था, दो तीन घंटे से लगे हुए हैं हम इसमें। और क्या ना इसमें ना अड़ने बढ़ने की ज्यादा नहीं जाती, साइड से आपको कोई लग जाती है ना ब्लू खुला होता तो वो साइड से लगने की ज्यादा संख्या रहती है, यहाँ क्या है पीछे स्ट्रोक है ना तो यहाँ मतलब लगेगी कम, वो ठीक है लग सकती है पर जो है कि कम ही लगेगी। तो हवा तो काफी अच्छी दे रहा है, ये देखिए बहुत अच्छी हवा दे रहा है, साथ में आपको चेक भी करवा पाता, कपड़ा वगैरह नहीं है। और ये तो पता है मेरी पता पुरानी मोटर है, अगर आपकी नई मोटर होगी ना तो और ज्यादा तेज आवाज देगा। और दूसरी बात की बैटरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, इतनी बड़ी है छोटी है, उस हिसाब से भी कम ज्यादा होती रहती है। बाकी हवा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पर कोई पंखा नहीं है, पंखा दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा भारी हो गया है, तो इस बार ऐसा बनाया है अगली बार और अच्छा बनाएंगे। तो आप चाहे तो बना सकते हैं लेकिन ये है कि ईटे कम रखना क्योंकि बहुत ज्यादा भारी हो गया है। बाकी आपने देख लिया कि पंखा कैसा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला पंखा पसंद आया हो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं एक्सपेरिमेंट वाली, तो आगे चल के और अच्छी वाली एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना।